स्वागत है आपका पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हॉर्टिकल्चर का टॉपिक। इसका हम थोड़ा सा पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है। उस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने कुछ इम्पोर्टेंट फ्रूट्स के साइंटिफिक नेम्स याद कर लिए थे, उसके अलावा वो कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा है ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम सेकेंड पार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने साइंटिफिक नेम पढ़े थे, उसके अलावा उनकी फैमिलीज, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि पर्टिकुलर जो फ्रूट है या वेजिटेबल है उसके अंदर जो उसकी पंजेंसी है या उसका टेक्सचर है या कोई कलर है वो कौन से केमिकल की वजह से है। तो आज वाले पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं फ्रूट क्रॉप। तो फ्रूट प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या पार्ट आती है, दो पार्ट्स आते हैं, पोमोलॉजी एंड ओलेरिकल्चर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पोमोलॉजी क्या होता है, पोमोलॉजी होता है फ्रूट प्रोडक्शन, साइंस ऑफ फ्रूट्स, और ओलेरिकल्चर क्या होता है, साइंस ऑफ वेजिटेबल्स। तो जिस ब्रांच के अंदर हम फ्रूट को स्टडी करते हैं वो पोमोलॉजी होता है, और जिसके अंदर हम वेजिटेबल्स को स्टडी करते हैं दैट इज़ ओलेरिकल्चर। तो फ्रूट प्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट है ये हॉर्टिकल्चर, जनरल हॉर्टिकल्चर हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो सबसे पहली और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्रूट क्रॉप है वो है मैंगो, ठीक है। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, आई होप आपने सभी साइंटिफिक नेम और फैमिलीज उनकी ऑलरेडी याद कर ली होगी, फिर भी एक बार रिविज़न हो जाएगी सभी साइंटिफिक नेम्स की पर्टिकुलर क्रॉप्स के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारी, मैंगो क्रॉप। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो मेंजीफेरा इंडिका क्वेश्चन पूछा जाएगा मैंगो, व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्रॉप है इस रीजन की, नॉर्थ रीजन की। तो क्या आएगा इसका, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अगर हॉर्टिकल्चर या पोमोलॉजी, स्पेशली पोमोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं तो मैंगो, बनाना, इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये मेन क्रॉप है हमारी नॉर्थ इंडिया की। तो मैंगो की बात करें तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मेंजीफेरा इंडिका, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड मैंने क्या लिखा, नेशनल एंड किंग ऑफ फ्रूट्स। आम को क्या कहा जाता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फलों का राजा क्या है, आम। तो किंग ऑफ फ्रूट्स या फलों का राजा किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है मैंगो को, आम को। उसके अलावा इसको कहा जाता है क्या, नेशनल फ्रूट, नेशनल फ्रूट यानी राष्ट्रीय फल। तो नेशनल फ्रूट या फलों का राजा, तो नेशनल फ्रूट और किंग ऑफ फ्रूट दोनों ही नाम किसको दिए जाते हैं, दोनों ही कहा जाता है मैंगो को, आम को। उसके बाद हम बात करते हैं ओरिजिन या इसका नेटिव प्लेस, कहाँ से ये सबसे पहले आया था। तो मैंगो का ओरिजिन कौन सा है, इंडो बर्मा ओरिजिन, जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया में आ जाता है। तो इंडो बर्मा क्या है, इंडो बर्मा है मैंगो का ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इंडिया की रैंकिंग। इंडिया की रैंकिंग इसकी प्रोडक्शन में बात करते हैं कि अगर हम सभी कंट्रीज़ को देखें, वहाँ पर मैंगो की प्रोडक्शन या एरिया को देखें, तो अगर हम इंडिया की रैंक को देखते हैं मैंगो के प्रोडक्शन में, तो इंडिया की रैंक क्या आती है, फर्स्ट। तो मैंगो एक इतनी इंपॉर्टेंट क्रॉप है तो ऑब्वियसली इसकी रैंकिंग भी क्या है, इंडिया में, इंडिया की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है अगर हम सभी कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं तो। उसके अलावा न्यूट्रिएंट, एक न्यूट्रिशन की टेबल मैंने आपको करवाई थी जिसके अंदर पर्टिकुलर विटामिन बताए थे और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब के बारे में बताया था कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट कौन कौन से, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर क्या था उसमें, प्रोटीन्स, कि इन सभी न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन पर्टिकुलर कौन से वेजिटेबल्स में ज़्यादा है या कौन से फ्रूट्स में ज़्यादा है। तो जो मैंगो है, मैंगो क्या है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स, विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है क्या, मैंगो। उसके बाद इंटरनल नेक्रोसिस, मैंगो के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो या तो किसी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से होंगे या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कोई ऐसा चेंज आ जाए उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होंगे उनको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। वैसे मैंगो की क्रॉप के लास्ट में, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैंने कवर किया है इसकी डिजीज़ या इंसेक्ट पेस्ट के बारे में, लेकिन मैंने यहाँ दो पर्टिकुलर लिखे हैं क्या, इंटरनल नेक्रोसिस। मैंगो के अंदर इंटरनल नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है, वो होता है बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से। बी किसका सिंबल है, बी सिंबल है बोरोन का। नेक्रोसिस होता है जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ होना, तो इंटरनल नेक्रोसिस
ठीक है। तो इंटरनल नेक्रोसिस जो होगी वो किसकी वजह से होगी, वो होगी बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद आती है क्लस्टरिंग और झुमका। क्लस्टरिंग और झुमका अंदर क्या होता है, एक क्लस्टर बन जाता है जो मैंगो के लीव्स होते हैं, ठीक है, उसका जो फ्रूट्स बनने होते हैं उस पार्ट में क्या हो जाता है, उस पार्ट में एक क्लस्टर बन जाएगा, ठीक है, ग्रीन क्लस्टर बन जाएगा जो वेजिटेटिव पार्ट्स का है, दैट इज़ नोन एज झुमका या क्लस्टरिंग। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि मैंगो हमारी किस टाइप की क्रॉप है, मैंगो हमारी जनरली ग्रो की जाती है ये गर्मियों के सीजन में, तो अगर टेम्परेचर काफ़ी कम है तब झुमका या फिर क्लस्टरिंग होती है। उसके अलावा दो और भी रीज़न है जिसकी वजह से क्लस्टरिंग हो सकती है। कौन कौन से रीज़न है, एक तो है लो टेम्परेचर, सेकंड है इम्प्रॉपर पोलिनेशन। अगर पोलिनेशन क्या हो, इम्प्रॉपर पोलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र कहाँ से, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, क्योंकि एंथर्स पे पोलन ग्रेन्स बनेंगे और वो पोलन ग्रेन एंथर से कहाँ चले जाएंगे, वो चले जाएंगे स्टिग्मा पे, ताकि उसकी फर्टिलाइजेशन हो सके। फर्टिलाइजेशन के बाद ही क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा या सीड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ होता है क्या, इम्प्रॉपर पोलिनेशन। अगर पोलिनेशन ढंग से ना हुआ हो तो फ्रूट की फॉर्मेशन ढंग से नहीं होगी, ठीक है। तो सेकंड रीज़न है इम्प्रॉपर पोलिनेशन, और थर्ड रीज़न क्या है, पुअर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। पुअर फर्टिलाइजेशन मैंने बताया कि अगर ढंग से पोलिनेशन ना हुआ हो, मतलब एंथर से स्टिग्मा पे जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना है वो ही ना हुआ हो, तो फर्टिलाइजेशन भी कैसी हो जाएगी, इम्प्रॉपर। तो क्लस्टरिंग या झुमका के तीन रीज़न है क्या, फर्स्ट इज़ लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो हो, सेकंड क्या है, अगर पोलिनेशन ढंग से ना हुई हो, और थर्ड रीज़न क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन अच्छे से ना हुआ हो, यानी पुअर फर्टिलाइजेशन हो तो। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसका प्लांटिंग टाइम, क्योंकि मैंने बताया कि जो गर्मियों का जो सीज़न होता है यानी समर सीज़न, उसमें हम क्या करते हैं, इसकी प्लांटिंग करते हैं। तो प्लांटिंग टाइम क्या है, मैंगो का प्लांटिंग टाइम है जून जुलाई, ठीक है। तो जून जुलाई इज़ द प्लांटिंग टाइम ऑफ मैंगो। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आती है मैंगो की वेराइटीज़। अगर हम रीज़न वाइज देखें तो कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती है जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जाती है, कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती है जो साउथ इंडिया में ग्रो की जाती है। तो जो नॉर्थ इंडिया में जो वेराइटीज़ ग्रो की जाती है उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट बियरर। अल्टरनेट बियरर का मतलब क्या है कि इनकी जो फ्रूटिंग होगी, एक सीज़न में इनके फ्रूट्स आ जाएंगे, दूसरे सीज़न में इनकी फ्रूट नहीं आएंगे, मतलब स्किप हो जाएगा वो सीज़न। अल्टरनेट में होता क्या है, एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक। इसका मीनिंग क्या है कि इस सीज़न में अगर फ्रूट आ गए तो इस सीज़न में फ्रूट नहीं आएंगे, फिर इस सीज़न में फ्रूट आ जाएंगे। तो जो नॉर्थ इंडियन वेराइटीज़ होती है वो कैसी होती है, वो होती है अल्टरनेट बियरर। ऑल्टरनेट बियरर होती है ये वेराइटीज़, और ये क्या होती है, मोनो एम्ब्रियोनिक। इनके अंदर एक ही एम्ब्रियो मिलेगा, मोनो एम्ब्रियोनिक वेराइटीज़ होगी, और इसके अंदर जो फ्रूट की बियरिंग होगी वो क्या होगी, अल्टरनेट टाइप से होगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम बात करें साउथ इंडियन वेराइटीज़ की, ऐसी वेराइटीज़ जो साउथ इंडिया में ग्रो की जाती है उनकी कैसी हैबिट है, उनकी हैबिट है रेगुलर बियरिंग की। रेगुलर बियरिंग मतलब रेगुलर उन पे क्या होते रहेंगे, मैंगो फ्रूट्स होते रहेंगे, तो रेगुलर बियरिंग की इनकी हैबिट है, ठीक है। और ये क्या होती है, पोली एम्ब्रियोनिक। जैसे ये मोनो एम्ब्रियोनिक थी, वैसे ये कैसी है, पोली एम्ब्रियोनिक। तो दो से ज़्यादा इसमें एम्ब्रियोज मिलेंगे। आपको इसके अंदर क्या याद रखना है, वेराइटी से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो नॉर्थ इंडिया की वेराइटी या अल्टरनेट बियरर, अल्टरनेट बियरिंग वेराइटीज़ या नॉर्थ इंडिया की वेराइटीज़ कौन सी है, उनका एग्जांपल मैंने दे रखा है लंगड़ा। लंगड़ा सुना होगा आपने, मार्केट से लेके आते कहते हैं ना कि ये लंगड़ा आम है, तो वो लंगड़ा क्या है, वो वेराइटी है मैंगो की। और वो कौन सी वेराइटी है, वो अल्टरनेट बियरिंग वेराइटी है। तो लंगड़ा, दशहरी, दशहरी बहुत फेमस वेराइटी है, ये भी आप सभी ने सुनी होगी। तो लंगड़ा, दशहरी, मलिका, मलिका एक क्रॉस है, किसका क्रॉस है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये एक टाइप का हाइब्रिड है जो दो वैरायटी के क्रॉसिंग से बना है। थर्ड वन क्या है, बॉम्बे ग्रीन, तो ये भी एक अल्टरनेट बियरर वैरायटी है, या फिर ऐसी वैरायटी है जो नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं ऐसी वैरायटीज़ जिनकी हैबिट है रेगुलर बियरिंग की। तो रेगुलर बियरिंग की वाली कौन सी वैरायटीज़ है, फर्स्ट इज़ नीलम, ठीक है, सेकेंड इज़ तोतापुरी, थर्ड इज़ बैंगन पाली, एंड द फोर्थ वन इज़ बेंगलोरा। तो नीलम है, तोतापुरी, बेंगलोरा या बैंगन पाली, तो ये जो चारों वेराइटीज़ है ये मोस्टली हमारी साउथ इंडिया में ग्रो की जाती है। और इनकी कैसी हैबिट होती है, इनकी हैबिट होती है कैसी, रेगुलर बियरिंग की।
तो ये दो टाइप की वैरायटीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं मैंगो की इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है कौन सी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ लाइन में लिखी हुई है, इनको याद करना है इनके पर्टिकुलर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर से रिलेट करके। तो सबसे पहले अल्फोंसो, अल्फोंसो मैंगो सभी ने सुना होगा। अल्फोंसो मैंगो एक बहुत ही फेमस वैरायटी है और एक्सपोर्ट के लिए जो बेस्ट वैरायटी वो है अल्फोंसो, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है मैंगो का, मैंगो का या फिर किसी भी चीज़ का, हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम बाहर भेजते हैं, ठीक है, दूसरी कंट्रीज़ में, दैट इज़ एक्सपोर्ट, और कुछ मंगवाते हैं दैट इज़ इम्पोर्ट। तो मैंगो की फेमस वैरायटी एक्सपोर्ट के लिए कौन सी है, अल्फोंसो। उसके बाद मैंने लिखा है ससेप्टिबल टू स्पॉन्जी टिश्यू। स्पॉन्जी टिश्यू एक डिसऑर्डर होता है मैंगो का, जिसके अंदर आपने देखा भी होगा मैंगो वगैरह लेके आते हैं, कई बार उसमें क्या होता है अंदर से क्या हो जाते हैं जो टिश्यूज़ होते हैं वो स्पंजी हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाता है वो पार्ट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक डिसऑर्डर है मैंगो का जिसको कहा जाता है स्पॉन्जी टिश्यू। तो अल्फोंसो वैरायटी वैसे तो एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए बेस्ट है, लेकिन इसकी कमी क्या है कि सबसे ज्यादा जो स्पॉन्जी टिश्यू होता है वो इसी के अंदर आता है। तो ये क्या है, ससेप्टिबल टू स्पॉन्जी टिश्यू। इसके बाद जो न्यू वैरायटीज आई थी वो इस तरीके से बनाई गई थी कि वो स्पॉन्जी टिश्यू के रेजिस्टेंट हो, मतलब उसके अंदर ये डिसऑर्डर ना ही आए, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी है चोसा, ठीक है। ये वैरायटी हमारी स्वीटेस्ट वैरायटी है जिसके अंदर फ्रक्टोज कंटेंट सबसे ज्यादा होगा, सबसे स्वीट वैरायटी होगी और ये नॉर्थ इंडिया की बहुत ही फेमस वैरायटी है, ओके। नेक्स्ट वैरायटी हमारी आती है बैंगन पाली। बैंगन पाली आंध्र प्रदेश की वैरायटी है। एक आपको ध्यान रखना है अम्रपाली, एक अम्रपाली भी वैरायटी है और ये वैरायटी फेमस है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मीनिंग क्या होता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग का मीनिंग होता है कि जो नॉर्मल हम किसी भी क्रॉप के लिए नॉर्मल स्पेसिंग ले रहे हैं ना, उस स्पेसिंग से कम स्पेसिंग पर, मतलब हमने क्या किया उन प्लांट्स को क्या कर दिया, नॉर्मल स्पेसिंग से कम स्पेसिंग पे पास पास ग्रो कर दिया, तो उससे क्या हो गया पर्टिकुलर एरिया में प्लांट नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो गए ज़्यादा, यानी प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, उनकी डेंसिटी क्या हो गई ज़्यादा, इसीलिए इसको कहा जाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, ठीक है। तो अम्रपाली जो वैरायटी है वो फेमस है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ मैंगो इज फेमस फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे अम्रपाली, बैंगन पाली, दशहरा या फिर नीलम। तो उसका ऑप्शन क्या आएगा, आंसर क्या आएगा उसका, उसका आंसर आ जाएगा अम्रपाली। ये फेमस वैरायटी है जो हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो हम वैरायटी कर रहे थे बैंगन पाली। बैंगन पाली एक आंध्र प्रदेश की फेमस वैरायटी है। उसके बाद एक वैरायटी आती है केसर। तो केसर जो वैरायटी है उसकी प्रोसेसिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। प्रोसेसिंग मतलब अगर हमने मैंगो की आगे और प्रोसेसिंग करनी है, उसको प्रोसेस्ड फॉर्म में सेल करना है, तो उसके लिए जो बेस्ट वैरायटी रहेगी वो कौन सी होगी, वो होगी केसर। और ये जो वैरायटी है ये गुजरात की एक फेमस वैरायटी है, ठीक है। तो केसर वैरायटी की प्रोसेसिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और ये गुजरात की एक फेमस वैरायटी है। नेक्स्ट आती है लंगड़ा। लंगड़ा तो आपने सुना ही होगा जो इस रीजन में रहते हैं, मोस्टली हरियाणा या फिर यूपी यानी नॉर्थ रीजन में। तो नॉर्थ रीजन की बहुत ही फेमस वैरायटी है लंगड़ा। उसके अलावा इसका एक डिफरेंट सा फ्लेवर मिलता है जिसको हम बोलते हैं टर्पेंटाइन फ्लेवर। तो लंगड़ा वैरायटी पहचानी जाती है अपने डिफरेंट फ्लेवर के लिए, टर्पेंटाइन फ्लेवर के लिए, और ये नॉर्थ इंडिया की बहुत ही फेमस वैरायटी है। देन आता है लाल सिंदूरी। लाल सिंदूरी किसके लिए, पाउडरी मिल्ड्यू यानी पाउडर बन जाता है उसमें क्या हो जाता है, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू एक डिजीज़ है मैंगो में आ जाती है। उसके अलावा और बहुत सारी क्रॉप में आती है पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है मैंगो की, तो उसका आंसर है लाल सिंदूरी। नेक्स्ट आती है नीलम। नीलम नाम आपने लास्ट स्लाइड में भी सुना था, जो साउथ इंडिया की वैरायटी है और रेगुलर बियरर है, ठीक है। तो ये क्या करती है, टू क्रॉप्स आती है इन ईयर, मतलब वही रेगुलर बियरिंग की इसकी हैबिट है। और जो दशहरी, दशहरी आम है वो यूपी की फेमस वैरायटी है। नॉर्थ इंडिया में वैसे दशहरी हर जगह मिल जाता है, लेकिन मोस्टली जो फेमस जिस स्टेट के लिए वो है वो कौन सी है, वो है यूपी। उसके बाद आते हैं हमारे हाइब्रिड्स। हाइब्रिड्स कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। हाइब्रिड से लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में मैंगो के हाइब्रिड से। तो हाइब्रिड का नाम है क्या क्या है इंपॉर्टेंट हाइब्रिड जो है, रत्ना, अम्रपाली, सिंधु एंड मल्लिका। ये नार लिखा हुआ है, जो लास्ट वर्ड है वो डिनोट कर रहा है हाइब्रिड के नेम को,
ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो ये स्टार्टिंग वाले वर्ड है दो, ये डिनोट कर रहे हैं क्रॉस, कि कौन कौन सी वैरायटी के, इन दो वैरायटी के क्रॉस से थर्ड वर्ड बना है। ठीक है, इन दो वैरायटी के क्रॉस से थर्ड क्या बना है, हाइब्रिड बना है। जैसे ये है, ये कौन सा है, नीलम इंटू, नीलम इंटू अल्फोंसो क्या बन गया, रत्ना। ठीक है, डीएनए ये किससे बना है, नीलम इंटू अल्फोंसो, इनके क्रॉस से बन गया हमारी कौन सी वैरायटी, रत्ना। ठीक है, तो नीलम और अल्फोंसो क्रॉस से बन गया रत्ना। सेकंड है अम्रपाली, ये किससे बना है, ये बना है दशहरी इंटू नीलम, तो इन दोनों के क्रॉस से कौन सी वैरायटी बनी है, अम्रपाली, जो मैंने आपको बताई थी कि फेमस है किसके लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। और आर ए एस, तो आर ए एस कौन सी है हमारी, आर ए एस हमारी है रत्ना इंटू, आर ए एस हमारी है रत्ना इंटू अल्फोंसो, इससे क्या बनी, सिंधु। नेक्स्ट आती है एन डी एम, तो एन डी एम है नीलम इंटू दशहरी। लास्ट टाइम क्वेश्चन इसी हाइब्रिड से आया था कि नीलम इंटू दशहरी, मल्लिका किसके क्रॉस से बनी है, तो लास्ट टाइम क्वेश्चन इससे आया था, मल्लिका से एनडीएम, एनडीएम यानी नीलम और दशहरी के क्रॉस से क्या बना है, मल्लिका। तो ये चार क्रॉस है जो आपको एज इट इज़ याद रखने हैं। फर्स्ट इज एन ए आर, नार, डी एन ए, रास या फिर एन डी एम, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। जो फर्स्ट टू वर्ड हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर वेराइटी का क्रॉस है, और जो थर्ड है उस क्रॉस का या हाइब्रिड का नाम है। ओके, ये इसके कुछ हाइब्रिड हो गए। उसके बाद आते हैं इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट में आपको सिर्फ नाम याद करने हैं कि पर्टिकुलर इंसेक्ट पेस्ट कौन सी फ्रूट क्रॉप में आता है। तो मैंगो के अंदर कौन कौन सा आता है, मैंगो में आता है मैंगो मिलीबग, उसके अलावा सेकंड कौन सा है, मैंगो होपर, थर्ड इज स्टेम बोरर एंड द फोर्थ वन इज मैंगो स्टोन विविल। ठीक है, तो ये स्टोन विविल आ सकता है, तो स्टोन विविल, स्टोन किसको बोलते हैं, मैंगो का जो फ्रूट टाइप होता है वो ड्रूप या फिर स्टोन बोला जाता है उसको, तो उसी नाम से ये क्या बना है, मैंगो स्टोन विविल, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिजीज़ की। डिजीज़ मैंने आपको बताई थी पाउडरी मिल्ड्यू, इसके रेजिस्टेंट है लाल सिंदूरी। उसके अलावा एक और डिजीज़ इसमें आती है जिसको हम बोलते हैं एंथ्रेक्नोज। ठीक है, डिजीज़ आने के चांसेस, कुछ एक डिजीज़ आ सकती है जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेजर जो चांसेस है आपके वो किसी और कैरेक्टरिस्टिक से आएंगे, लाइक वेराइटीज़ आ गई या किसी पर्टिकुलर फ्रूट में कौन सा न्यूट्रिएंट यानी विटामिन ए किसमें ज़्यादा है, तो इस टाइप से जनरल क्वेश्चन आएंगे। डिजीज़ के डिस्क्रिप्शन या फिर इनके साइंटिफिक नेम जो इनको कॉज कर रहे हैं वो आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में है ब्लैक टिप, देखा होगा मैंगो में क्या होगा, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसमें क्या हो जाता है, वो ब्लैकिश हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक टिप, जो कि बोरोन की डेफिशिएंसी से होता है। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हमने किए भी थे, ये रहा इंटरनल नेक्रोसिस, ये भी बोरोन की डेफिशिएंसी से हो रहा था, तो ब्लैक टिप भी बोरोन की डेफिशिएंसी से, और इंटरनल नेक्रोसिस, इंटरनल नेक्रोसिस ये भी किसकी वजह से होगा, बोरोन की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू हमारा होगा हाई टेम्परेचर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मैंगो कवर हो गया। एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं मैंगो में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम जो क्या है, मेंजीफेरा इंडिका नेशनल या फिर किंग ऑफ फ्रूट्स इसको बोलते हैं, इसका ओरिजिन है इंडो बर्मा। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग है फर्स्ट। उसके बाद आता है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या है, मैंगो। इंटरनल नेक्रोसिस किसकी वजह से होगा, बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके अलावा ब्लैक टिप है वो भी बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से होगा। जो स्पॉन्जी टिश्यू है मैंगो के अंदर वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हाई टेम्परेचर की वजह से, लेकिन लेस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, क्लस्टरिंग या झुमका। तो क्लस्टरिंग और झुमका का एक तो रीज़न क्या हो गया, लेस टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। उसके अलावा दो रीज़न और कौन कौन से हो गए, दो रीज़न और हो गए, फर्स्ट इज़ पुअर फर्टिलाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज़ इम्प्रॉपर पोलिनेशन। ठीक है, प्लांटिंग टाइम क्या है इसका, जून जुलाई। नेक्स्ट हमने वेराइटीज़ पढ़ी थी, जो नॉर्थ इंडियन वेराइटीज़ होती है वो मोस्टली ऑल्टरनेट बियरिंग होती है। एग्जाम्पल इसका क्या है, लंगड़ा, दशहरी, मल्लिका और बॉम्बे ग्रीन। और जो साउथ इंडिया की जो वेराइटीज़ होती है वो मोस्टली कैसी होती है, रेगुलर बियरर होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, नीलम हो गया, उसके अलावा बैंगन पाली, उसके अलावा बेंगलोरा, और ये है तोतापुरी। ये काफ़ी फेमस वेराइटी है साउथ इंडिया की।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ अल्फोंसो। इसकी अच्छी बात ये है कि एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट है ये, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है कि स्पॉन्जी टिश्यू के रेजिस्टेंट है। सेकेंड वेराइटी है चोसा, जो स्वीटेस्ट वेराइटी है और नॉर्थ इंडिया की बहुत फेमस वेराइटी है। और थर्ड वन इज़ बैंगन पाली, जो एक आंध्र प्रदेश की फेमस वेराइटी है। केसर की बात करें, केसर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है और गुजरात की फेमस वेराइटी है। ओके, देन लंगड़ा, लंगड़ा भी नॉर्थ इंडियन की है और ये फेमस किसके लिए है, अपने टर्पेंटाइन डिफरेंट फ्लेवर के लिए। उसके बाद आती है लाल सिंदूरी, लाल सिंदूरी रेजिस्टेंट है पाउडरी मिल्ड्यू की। नेक्स्ट आती है नीलम, नीलम एक रेगुलर बियरर वेराइटी है, मतलब टू क्रॉप्स हमें इससे मिल सकती है एक सीज़न में। और जो दशहरी है, दशहरी किससे मिलती है, दशहरी हमारी यूपी रीजन की बेस्ट वेराइटी है। और एक मैंने बताई थी आपको अमरपाली, जो कि हमारा एक क्रॉस है और ये फेमस किसके लिए है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। देन ये हो गए हमारे हाइब्रिड, रत्ना, अम्रपाली, सिंधु और मल्लिका, ये हाइब्रिड हो गए जो क्रॉस से बने हैं। और उसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट के नाम क्या क्या है, मैंगो मिलीबग, मैंगो होपर और एक स्टोन विविल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक स्टेम बोरर। नेक्स्ट आती है इसकी डिजीज़, पाउडरी मिल्ड्यू एंड एंथ्रेक्नोज, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। आपको याद रखने हैं कि पर्टिकुलर डिसऑर्डर कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रहे हैं या फिर कौन सी कंडीशन की वजह से ये डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। जैसे स्पंजी टिश्यू है हाई टेम्परेचर की वजह से, ब्लैक टिप है बोरोन डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, तो मैंगो के अंदर आपके जो क्वेश्चन आएंगे इसी टॉपिक में से जितने क्वेश्चन आएंगे वो कवर हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्रॉप हमारी आती है बनाना। ओके, तो बनाना का साइंटिफिक नेम क्या है, बनाना का साइंटिफिक नेम है मूसा पैरासिटिका या डोमेस्टिका। ठीक है, अलग अलग स्पीसीज़ है तो मैंने क्या लिखा है, मूसा स्पीसीज़। इसकी फैमिली कौन सी है, फैमिली है मूसेसी। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया में मैक्सिमम एरिया जो हमें मिलता है वो मैंगो के अंडर है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन कौन से फ्रूट क्रॉप की सबसे ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है इंडिया में बनाना की। ठीक है, तो बनाना एक इंडिया क्या है, इंडिया के अंदर लार्जेस्ट, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का। सभी फ्रूट्स का कंपैरिजन करें तो बनाना का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है इंडिया में। उसके अलावा ये चीज़ भी हम काफ़ी पहले से पढ़ते हैं साइंस के अंदर कि बनाना में मिलती है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट्स की फॉर्मेशन होना, दैट इज़ नोन एज पार्थिनोकार्पी। तो ये आपके साइंस में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से फ्रूट में वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट है वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी, ऑप्शन में आ जाएगा, कोई भी तीन चार ऑप्शन दे देंगे आपको तो उसका आंसर क्या आएगा, बनाना। तो बनाना में मिलती है क्या, वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी। उसके बाद बात करते हैं प्रोपगेशन, मतलब हम इसको और कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं स्वॉर्ड सक्कर, एक टाइप के सक्कर मिलते हैं इसके अंदर बनाना में, जिसके हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिवली ग्रो कर सकते हैं। और जो स्वॉर्ड सक्कर होता है उसका वेट हमारा कितना होना चाहिए, 500 से 750 ग्राम तक। ठीक है, 500 to 750 ग्राम। तो बनाना में से आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे वो इसके साइंटिफिक नेम आ सकता है, उसके अलावा वेजिटेटिव पार्थिनोकार्पी से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इनमें से कौन सा फ्रूट इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद इसकी वेराइटीज़, वेराइटीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वेराइटी इसकी कौन सी है, ड्वार्फ कैवेंडिश। ठीक है, तो ड्वार्फ कैवेंडिश इज़ द वेराइटी ऑफ बनाना। सेकेंड इसकी वेराइटी क्या है, रश्थाली। थर्ड इज़ रोबस्टा, रोबस्टा थर्ड इसकी वेराइटी है। उसके बाद है पुवन, देन निंद्रान। तो कौन कौन सी वेराइटी होगी इसकी, ड्वार्फ कैवेंडिश, देन रश्थाली, देन रोबस्टा एंड पुवन, ये इसकी फेमस वेराइटी है बनाना की। तो वेराइटीज़ आपको याद रखनी है, जिन जिन की वेराइटीज़ और जो जो वेराइटीज़ मैं वो कवर करवा रही हूँ वो आपको लर्न करनी ही पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है इसकी डिजीज़, डिजीज़ के सिर्फ आपको नाम याद करने हैं कि पर्टिकुलर डिजीज़ कौन सी फ्रूट क्रॉप में आती है। तो बनाना की डिजीज़ सभी से अलग ही है, कौन सी है, पनामा विल्ट। विल्ट मैंने क्या होता है, विल्ट मीन्स होता है मुरझा जाना, तो विल्ट है इसके अंदर पनामा विल्ट। फर्स्ट है सिगाटोका लीफ स्पॉट, थर्ड इज़ बंची टॉप एंड द फोर्थ वन इज़ मोको डिजीज़। बनाना की डिजीज़ सभी क्रॉप से, सभी फ्रूट क्रॉप से अलग है, तो एज इट इज़ आपको याद करनी है बनाना के अंदर। फर्स्ट वन इज़ पनामा विल्ट, सेकंड इज़ सिगाटोका लीफ स्पॉट, थर्ड इज़ बंची टॉप एंड द लास्ट वन इज़ मोको डिजीज़। तो ये बनाना की कुछ डिजीज़ है।
तो यहाँ हमारा बनाना कवर हो गया। बनाना में से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्या क्या कवर हो सकते हैं इसके साइंटिफिक नेम में से, उसके अलावा यहाँ से देन इससे। उसके बाद आ सकती है इसकी वेराइटीज़ और डिजीज़ में कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजीज़ कौन सी फ्रूट क्रॉप में आती है। तो नेक्स्ट क्रॉप हमारी क्या है, सिट्रस। सिट्रस का साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रस का साइंटिफिक नेम है सिट्रस स्पीसीज़, क्योंकि सिट्रस के अंदर और फर्दर कैटेगरीज होती है जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सिट्रस फ्रूट की बात करते हैं तो तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है मैंने इसको। फर्स्ट इज़ मैंड्रीन, सेकेंड इज़ स्वीट ऑरेंज एंड द थर्ड वन इज़ कागजी लाइम। वैसे इसकी और भी है जिसके अंदर सिट्रस लेमन आता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ मैंड्रीन। मैंड्रीन का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंड्रीन का साइंटिफिक नेम है सिट्रस रेटिकुलाटा, क्योंकि सिट्रस की कैटेगरीज आपने, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी इससे पहले जिसके अंदर मैंने आपको साइंटिफिक नेम कवर करवाए थे, उसमें मैंने आपको सिट्रस की सभी कैटेगरीज करवा दी थी कि सिट्रस के अंदर कौन कौन सी स्पीसीज़ कवर होती है। तो जिनके इम्पोर्टेंट फीचर है इसके अंदर वो तीन मैंने यहाँ लिख रखी है। फर्स्ट इज़ मैंड्रीन। मैंड्रीन का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंड्रीन का साइंटिफिक नेम है सिट्रस रेटिकुलेट, ठीक है। तो सिट्रस रेटिकुलाटा मोस्ट कॉमन सिट्रस फ्रूट अगर पूछा जाए, क्योंकि सिट्रस फ्रूट के अंदर कौन कौन से आते हैं, मैंड्रीन आ गया, स्वीट ऑरेंज आ गया, कागजी लाइम आ गया, लेमन आ गया, ठीक है, लेमन इसी के अंदर आता है। लेकिन अगर इन सभी में से पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिट्रस फ्रूट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा उगाया जाता है या ग्रो किया जाता है, वो कौन सा है, वो है हमारा मैंड्रीन। तो मैंड्रीन कैटेगरी मोस्ट कॉमन सिट्रस फ्रूट्स की है। इसकी वेराइटीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पर्टिकुलर मैंड्रीन का साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रस रेटिकुलेटा, ठीक है। अब पर्टिकुलर वेराइटी, पर्टिकुलर इस सिट्रस फ्रूट की वेराइटीज़ आपको याद रखनी है, कौन सी वेराइटी है, पर्टिकुलर वेराइटी इसकी कौन सी है। फर्स्ट इज़ लड्डू एंड सेकेंड इज़ कुर्ग। तो ये दो, लड्डू और कुर्ग फेमस वेराइटी है किसकी, ये दोनों फेमस वेराइटी है मैंड्रीन की। उसके अलावा हम कौन सा फ्रूट खाते हैं, किन्नू। किन्नू आपने सुना होगा, ये एक्चुअल में क्रॉस है दो मैंड्रीन्स का, कौन कौन सा, किंग इनटू विलो लीफ। तो ये इन दो वेराइटीज़ का क्रॉस है, ये आपको याद रखना है। किन्नू इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ सकता है कि किन्नू किसका क्रॉस है, तो किन्नू इज़ अ क्रॉस ऑफ किंग इनटू विलो लीफ। उसके अलावा ये क्वेश्चन आ सकता है कि किन्नू कौन सी सिट्रस क्लास को बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है मैंड्रीन क्लास को, ठीक है। तो किन्नू बिलोंग करता है मैंड्रीन क्लास को। इसकी और वेराइटीज़ है कुर्ग और लड्डू, और मोस्ट कॉमन सिट्रस फ्रूट है ये। उसके बाद नेक्स्ट है स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम क्या है, स्वीट ऑरेंज का साइंटिफिक नेम है सिट्रस साइनेंसिस, ठीक है, सिट्रस साइनेंसिस। इसकी प्रोपगेशन कैसे की जाती है, टी और पैच बडिंग। अब बडिंग में क्या करते हैं, टी बडिंग में ये होता है, सपोज ये हमारा रूट स्टॉक है, ठीक है, जो मेल पार्ट यूज़ होता है उसको रूट स्टॉक बोलते हैं, और जो फीमेल पार्ट यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं शाइन, जिसका हम बड यूज़ करेंगे। तो टी बडिंग में हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कट कर देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, बड को इंसर्ट कर देते हैं। और पैच बडिंग में क्या करेंगे, पैच बडिंग के अंदर हम यहाँ से कट करके पैच को इंसर्ट कर देंगे। तो ये प्रोपगेशन के टाइप है जो आपको जनरली बस नॉर्मल याद करने हैं कि स्वीट ऑरेंज को कॉमनली प्रोपगेट दो मेथड से किया जाता है, फर्स्ट इज टी बडिंग, सेकेंड इज पैच बडिंग। उसके बाद रूट स्टॉक से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट रूट स्टॉक है, किन्नू का रूट स्टॉक आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रोयर सिट्रेंज, ट्रोयर सिट्रेंज रूट स्टॉक है इसका किन्नू का, ठीक है, ट्रोयर सिट्रेंज किन्नू का रूट स्टॉक है। आपसे क्वेश्चन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है कि स्वीट ऑरेंज का रूट स्टॉक कौन सा है, ये आ सकता है एग्जाम में। तो स्वीट ऑरेंज का रूट स्टॉक कौन सा है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। तो किन्नू का रूट स्टॉक है ट्रोयर सिट्रेंज, लेकिन स्वीट ऑरेंज की बात करें, स्वीट ऑरेंज का रूट स्टॉक कौन सा है, स्वीट ऑरेंज का रूट स्टॉक है रंगपुर लाइम, ठीक है। रंगपुर लाइम इज द रूट स्टॉक ऑफ, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रूट स्टॉक इज यूज्ड इन स्वीट ऑरेंज, ऑप्शन में आ जाता है ट्रोयर सिट्रेंज, रंगपुर लाइम, या फिर कोई और आ गया आपके ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा रंगपुर लाइम इज द रूट स्टॉक ऑफ स्वीट ऑरेंज, ठीक है। फिर आ जाती है इसकी वेराइटीज़। वेराइटीज़ उसके अंदर दो ही इंपॉर्टेंट थी, लड्डू और कुर्ग, और किन्नू सबसे इंपॉर्टेंट है मैंड्रीन की वेराइटीज़ में, ठीक है। स्वीट ऑरेंज की वैरायटीज कौन सी है, स्वीट ऑरेंज की है सतगुड़ी, मौसम्बी, ये याद रखना है। मौसम्बी आप खाते हैं
वो कौन सी सिट्रस क्लास को बिलोंग करता है? तो मौसम्बी बिलोंग करता है स्वीट ऑरेंज क्लास को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन अगर आएंगे यही आएंगे, मैंड्रीन, स्वीट ऑरेंज, कागजी लाइम। तो जो मौसम्बी है वो हमारी किसके अंदर आती है, वो किसकी वेराइटी है? मौसम्बी इज़ द वेराइटी ऑफ स्वीट ऑरेंज। और इसकी वेराइटीज़ कौन कौन सी है मौसम्बी के अलावा? सतगुड़ी, ठीक है, तो सतगुड़ी, उसके अलावा मौसम्बी, थर्ड कौन सी है? ब्लड रेड। और फोर्थ कौन सी है? जाफा। तो जाफा इसकी वेराइटी है। एक आती है वेलेंशिया, एक आती है पाइनएप्पल। ये चीज़ याद रखिएगा, पाइनएप्पल अगर आपसे पूछा जाए, पाइनएप्पल वैसे एक फ्रूट है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनानास, सभी को पता होगा ये, ठीक है। लेकिन पाइनएप्पल नाम की एक वैरायटी भी है, जो वैरायटी किसकी है? सिट्रस की, या फिर सिट्रस में भी पर्टिकुलर कौन सी क्लास की है? स्वीट ऑरेंज की। तो आपको ध्यान रखना है पाइनएप्पल किसकी वेराइटी है। पाइनएप्पल इज़ द वेराइटी ऑफ सिट्रस या फिर स्वीट ऑरेंज। तो स्वीट ऑरेंज की वेराइटीज़ एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी है। सतगुड़ी, मौसम्बी, जाफा, उसके अलावा वेलेंशिया, एक है ब्लड रेड और पाइनएप्पल, ठीक है। पाइनएप्पल ध्यान रखना है, पाइनएप्पल इज़ द वेराइटी ऑफ, ऑप्शन में हो सकता है आपको पाइनएप्पल ही फिर से दे दिया जाए। तो पाइनएप्पल हमारी स्वीट ऑरेंज की वेराइटी है, या फिर सिट्रस आ सकता है, सिट्रस मैंगो। इस तरीके से आएंगे कि स्वीट ऑरेंज किसकी वेराइटी है, सिट्रस मैंगो, बनाना या फिर पाइनएप्पल दे दिया जाए ऑप्शन में, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा सिट्रस। नेक्स्ट इसकी थर्ड क्लास है कागजी लाइम, जिसको बोलते हैं सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ठीक है। तो सिट्रस ओरेंटिफोलिया किसको बोलते हैं? कागजी लाइम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ट्रिस्टेजा वायरस का। ट्रिस्टेजा एक टाइप की वायरल डिजीज़ होती है। ट्रिस्टेजा क्या है? एक वायरस है जो सिट्रस क्रॉप में आता है। तो ये इंडिकेटर है, मतलब अगर कहीं पर भी कोई भी सिट्रस वाले एरिया में ट्रिस्टेजा आता है तो सबसे पहले किस में आएगा? वो आएगा कागजी लाइम में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। क्वेश्चन ये आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ ट्रिस्टेजा वायरस? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिट्रस ओरेंटिफोलिया या कागजी लाइम। तो साइंटिफिक नेम आपको याद होने चाहिए, हो सकता है डायरेक्ट नाम ना देके साइंटिफिक नेम से वो पूछ ले। तो साइंटिफिक नेम क्या है? सिट्रस ओरेंटिफोलिया, इट इज़ इंडिकेटर ऑफ ट्रिस्टेजा वायरस। और सिट्रस कैंकर भी एक डिजीज होती है, एक डिसऑर्डर होता है सिट्रस का, जिसके अंदर आपने देखा भी होगा एक कोर्क बन जाती है, एक पपड़ी बन जाती है, ठीक है, ब्राउनिश कलर की, जो सिट्रस फ्रूट्स पे, उसको बोलते हैं सिट्रस कैंकर। तो वो जो ब्राउन पार्ट बनता है उसको हम कैंकर बोलते हैं, और वो सिट्रस में हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? सिट्रस कैंकर। तो सबसे ज़्यादा सिट्रस कैंकर के जो इंसिडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस जिस पे होंगे सिट्रस कैंकर के, वो होंगे कागजी लाइम पे, यानी सिट्रस ओरेंटिफोलिया। और इसको एसिड लाइम या सोर लाइम कहा जाता है। तो कागजी लाइम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि एसिड लाइम या सोर लाइम किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सिट्रस ओरेंटिफोलिया को। उसके अलावा ट्रिस्टेजा वायरस का इंडिकेटर कौन है? तो उसका आंसर भी कागजी लाइम आएगा। उसके अलावा सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर सबसे ज़्यादा मोस्ट सीरियस डिसऑर्डर या डिजीज़ किसकी है? तो वो भी है कागजी लाइम की, दैट इज सिट्रस ओरेंटिफोलिया। इसकी कौन कौन सी है इसकी वेराइटीज़? इसकी फर्स्ट वेराइटी है चक्रधर, ठीक है, फर्स्ट वेराइटी इज़ चक्रधर। सेकेंड वेराइटी इज़ पैरामालिनी। थर्ड इज़ मीठा चिकना, एंड द फोर्थ वन इज़ साई सरबती। तो चार इसकी वेराइटी है, चक्रधर, पैरामालिनी, मीठा चिकना और साई सरबती। तो वैरायटीज़ अगर आपकी आने के चांसेस है वो इन दो के आएंगे। उसके अलावा इसमें से एक बार रीड कर लेना बाई चांस अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो, अदरवाइज इन तीनों में से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सिट्रस की डिजीज़। डिजीज़ इंपॉर्टेंट है सिट्रस की। फर्स्ट इज़ गुमोसिस, तो इसमें गम की फॉर्मेशन होने लग जाती है, सिक्रीशन होता है गम का, ठीक है, तो उसी से नाम बना है गुमोसिस। नेक्स्ट है कैंकर डिजीज़। ये है तो एक बैक्टीरियल डिजीज़, लेकिन ये ट्रांसमिट किससे होती है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैंकर डिजीज़ किससे ट्रांसमिट होती है, मतलब अगर एक प्लांट में या एक जगह ये हो गई तो दूसरी जगह इसको ट्रांसमिट करने के लिए वैक्टर कौन सा चाहिए, कौन से इंसेक्ट पेस्ट के थ्रू ट्रांसमिट होगी? तो जो सिट्रस कैंकर है वो ट्रांसमिट होती है लीफ माइनर के थ्रू, ठीक है। तो लीफ माइनर क्या करता है? सिट्रस कैंकर को ट्रांसमिट करता है। उसके बाद ट्रिस्टेजा वायरस जो मैंने बताया, जिसका इंडिकेटर कौन था? कागजी लाइम, यानी सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ठीक है। तो ट्रिस्टेजा इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड। तो एफिड क्या करता है? ट्रिस्टेजा को ट्रांसमिट करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिट्रस ग्रेनिंग। सिट्रस ग्रेनिंग को ट्रांसमिट कौन करता है? सिट्रस सिल्ला। सिट्रस सिल्ला भी एक इंसेक्ट है जो सिट्रस पे ज़्यादा आता है, ठीक है, तो सिट्रस पे ही आता है, इसका नाम क्या है? सिट्रस सिल्ला। और ये क्या ट्रांसमिट करता है? सिट्रस ग्रेनिंग को।
तो ये तीन आपको ध्यान रखने हैं वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिट्रस कैंकर को ट्रांसमिट कौन करता है, लीफ माइनर, ठीक है, सिट्रस कैंकर को ट्रांसमिट करता है लीफ माइनर, और सिट्रस ग्रेनिंग को ट्रांसमिट कौन करता है, सिट्रस सिल्ला, बच गया एक ट्रिस्टेजा वायरस, उसको ट्रांसमिट करने वाला कौन सा है, एफिड, ठीक है। एक एक्सोकोर्टिस, ये भी एक डिजीज़ है सिट्रस की, एक्सोकोर्टिस, जो किससे होती है, जो होती है वायरोइड से, तो वायरस, वायरोइड, प्रायोन्स, ये आपने साइंस में पढ़े होंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो वायरोइड से कौन सी डिजीज़ होती है, एक्सोकोर्टिस, ठीक है। तो एक्सोकोर्टिस इन सिट्रस इज कॉज्ड बाय अ वायरस। फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कॉज आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिट्रस क्रॉप, तो ग्रैन्यूलेशन, कई बार आपने देखा होगा थोड़ी हार्डनिंग हो जाती है, ग्रैन्यूल्स जैसे उसके अंदर मिलता है फ्रूट के अंदर हमें, तो वो जो ग्रैन्यूलेशन होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है या तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो ग्रैन्यूलेशन का कॉज क्या है, या तो हाई टेम्परेचर या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एक्जेंथीमा, ये तीन डिजीज़, एक्जेंथीमा, डाईबैक और लिटल लीफ, ठीक है। डाईबैक क्या होता है, जब विल्टिंग स्टार्ट हो जाती है ऊपर से, इसको बोलते हैं डाईबैक। लिटल लीफ ये भी होता है कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से, तो आपको ये ध्यान रखने हैं कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से सिट्रस में कौन कौन सी डिजीज़ हो रही है। तो एक तो है डाईबैक, उसके अलावा क्या है, लिटल लीफ, एंड द थर्ड वन इज एक्जेंथीमा। ये तीनों होते हैं किसकी वजह से, कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से, और ग्रैन्यूलेशन के आने के चांस ज़्यादा है, ठीक है, ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। ग्रैन्यूलेशन का कोज ही क्या है, हाई टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और येलो लीफ किसकी वजह से होगा, येलो लीफ होगा मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या कंप्लीट हो गया, यहाँ हमारा सिट्रस कंप्लीट हो गया, सिट्रस के क्वेश्चन आएंगे। ये जो फ्लो चार्ट है ये अच्छे से याद कर लीजिएगा कि पर्टिकुलर सिट्रस, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है इस क्लास का, और इनकी वेराइटीज़ क्या है। उसके अलावा कवर हो जाएंगे इसके अंदर इम्पोर्टेंट डिजीज़, एंड देन इसके क्या है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। थर्ड क्रॉप है हमारी आंवला, आंवला की लास्ट टाइम, लास्ट ईयर वैरायटी पूछी गई थी एक, ठीक है। तो आंवले का साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम आपने याद कर लिया होगा, लेकिन फिर से देख लेते हैं। आंवला का साइंटिफिक नेम है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, आंवला बिलोंग टू यूफोरबिएसी फैमिली, ठीक है। किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है यूफोरबिएसी, ठीक है। तो आंवला यूफोरबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, ठीक है। और आंवला के अंदर क्या करते हैं, पैच बडिंग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं आंवला में, आंवला में हम करते हैं पैच बडिंग। उसके अलावा पैच बडिंग किस में कर रहे थे हम, टी और पैच बडिंग दोनों हम किस में कर रहे थे, स्वीट ऑरेंज में। तो इसके अंदर भी क्या करते हैं, हम पैच बडिंग करते हैं। विटामिन सी इसके अंदर कितना मिलेगा, 600 मिलीग्राम पर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में 600 मिलीग्राम क्या मिलेगा, सॉरी 100 ही आएगा ये, 100 ग्राम में 600 मिलीग्राम क्या मिलेगा, विटामिन सी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में मिलता है, बारबेडोज, ये मैंने बताया था, बारबेडोस चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। इसके बाद अगर विटामिन सी में कोई आता है वो आता है आंवला, ठीक है। तो हाईएस्ट विटामिन सी कंटेंट बारबेडोस चेरी का है, उसके बाद है आंवला का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, चार ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से विटामिन सी सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है, क्योंकि बारबेडोस चेरी ऑप्शन में नहीं था, तो उसका आंसर क्या आएगा, आंवला। उसके बाद आती है इसकी वेराइटीज़, फर्स्ट वेराइटी इसकी कौन सी है, बनारसी, सेकेंड इज़ कंचन, थर्ड इज़ चकिया, और थर्ड लास्ट वन इज़ हाथीझूल। तो एक एग्ज़ाम में बनारसी वैरायटी पूछी गई थी कि इनमें से कौन सी वैरायटी, ये बनारसी पूछा गया था कि बनारसी वैरायटी कौन सी क्रॉप को बिलोंग करती है, तो उसके अंदर कुछ ऑप्शन दे रखे थे, तो बनारसी बिलोंग करती है किसको, आंवला की वैरायटी है, ठीक है। तो आप सभी इनमें से याद कर लीजिएगा, जो बाकी क्रॉप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।